फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैटेलाइट की दुनिया में। आज मैं आपको टेलस्टार 138 ईस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आपके 2 मिनट में कैसे जल्दी सेट कर सकते हैं और कि आप जो टेलस्टार में एक अच्छा चैनल भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी डिश जो है इसमें एयरटेल पर सेट है। ठीक है, एयरटेल पर है, एलन भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, छेड़ो भी तो थोड़ी सी छेड़ना, हल्की सी ऊपर को कर देना। ठीक है, बाकी नहीं भी छेड़ोगे तब भी टेलस्टार आ जाता है एयरटेल की चीज़ में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपकी कौन सी उसमें टीपी डालनी है आपको। आइए, ये देखिए 10600 रहेगी। एक मिनट, मैं इसको मीटर को बाहर निकाल लेता हूँ, थोड़ा साफ नहीं आ रही है टीपी की जगह पे। देखो दोस्तों, इसमें टीपी डाली है, LNB फ्रिक्वेंसी मैंने डाली है 10600 10600, और जिसमें टीपी डाली है मैंने डाली है 12439 12339, और सिंबल रेट रहेगा इसका 0-2500। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहेगा और 22K ऑन रहेगा। उसके बाद मैं आपको डिश सेट करके दिखाता हूँ कि सिग्नल कैसे आएंगे। ये MPG 2 बॉक्स पर आप इसको सेट कर सकते हैं कि सबसे हाई टी पी है इसकी। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये एयरटेल पर लगी है, इसको इधर लाता हूँ और डिश आपकी नीचे जाएगी करीब 2 से 3 इंची।是，您请亮将士，我们注意到今天包括川普总统还有文在寅总统在记者会上也都透露了，那就是韩国计划来向美国购买数十亿美元的先进武器。我们也注意到昨天呢，日本首相安倍晋三也透露，日本也将会从美国购买大量的军事装备。所以就有分析认为说，日韩两国来购买美国的武器，是除了可以提升他们自己的防卫能力，也能为促使朝鲜放弃他们的核武研发。 您怎么样看待这样的观点呢？有没有可能达到这样的成效？我个人感觉，可能应该来讲很小的，因为我们看到这个韩国和日本，无论它怎样提升这个常规力量的这样的一个装备的话，它都无法遏制朝鲜这个继续开发核武的这样的一个决心。唯一有可能这个阻遏这个朝鲜的这个目前看主要还是在美国和中国的手上，也就是说，只有中美还有其他的一些国家联合对朝鲜。 实施这个非常强硬的制裁。那，我们看到，这个韩国和日本无论它怎样提升这个常规力量的这样的一个装备的话，它都无法遏制朝鲜这个继续开发核武的这样的一个决心。唯一有可能这个阻遏这个朝鲜的这个目前看主要还是在美国和中国的手上，也就是说，只有中美还有其他的一些国家联合对朝鲜实施这个非常强硬的制裁。那，我们看到，这个韩国和日本无论它怎样提升这个常规力量的这样的一个装备的话，它都无法遏制朝鲜的这个继续开发核武的这样的一个决心。唯一有可能这个阻遏这个朝鲜的这个目前看主要还是在美国和中国的手上，也就是说，只有中美还有其他的一些国家联合对朝鲜实施这个非常强硬的制裁。 करीब 3 फीट पर सेटिंग करिए आप तो 2 फीट में भी ले सकते हैं अगर 2 फीट होते तो मेरे पास इसका 54 या 53। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको डालने आया हूँ ऑटो स्कैन पे, देखते हैं हमारे कितने चैनल आते हैं। टेलस्टार उसको ऑटो स्कैन पे डाल।
ये जो है आपके MPG 2 की TPM 12440-2500 हॉर्जेंटर, जिसको आप MPG 2 बॉक्स में सेट कर सकते हैं। हेलो भैया, 246 चैनल आपके स्कैन हुए हैं।